हाय मानसी। हाय अनु, क्या हुआ? अरे मेरा साइकिल का टायर पंचर हो गया और साथ साथ उसकी चेन भी उतर गई। अब इतनी पुरानी साइकिल यूज करेगी तो होगा ही ना। अरे इतनी भी पुरानी का है, सिर्फ एक ही साल पुरानी है। बस एक साल में? फिर भी मेरी भी तो देख एक साल भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे पापा को एक सुबह कहा कि मुझे नई साइकिल चाहिए और शाम को ले आए। अभी बस दो दो साइकिल है, एक खराब होती है मैं दूसरी चला लेती हूँ। वाह तेरा तो बढ़िया है, ये देख यहाँ तक मेरा साइकिल को ठीक करते करते पूरा हाथ ही गंदा हो गया। अब तो जब तक तू हाथ धो के आएगी और तेरे को तैयार होने में टाइम लगेगा तब तक तो सारे फ्रेंड्स भी चले जाएंगे। हाँ यार तू सही बोल रही है, आज ही अपने मम्मा पापा को बोलती हूँ मेरे लिए नया साइकिल लेने को। हाँ ठीक है, चल मैं जाती हूँ हाथ धोने। मैं भी जाती हूँ, बाय। मम्मा मम्मा, अरे मम्मा, अरे वाह मम्मा, आप कितने सुंदर लग रहे हो। अनु मैं तेरी नस नस पहचानती हूँ। Oh no! कुछ नया चाहिए ना, ज्यादा मस्का मत लगा, बता क्या चाहिए। मैं और मस्का? नहीं नहीं नहीं, मैं मस्का नहीं लगा रही, वो अलग बात है। अगर आपको मुझे कुछ देना है, अगर देना है तो एक साइकिल दे सकते हो या नया साइकिल दे सकते हो। Huh? या नया साइकिल? ओए ओए ओए, न्यू साइकिल क्यों? मेरी साइकिल सिर्फ एक साल पुरानी तो है, मेरी दो साल पुरानी है, तो किसी को नहीं मिलना भी है तो वो मैं हूँ, तू नहीं। तो तू मेरा वाला ले ले ना, एक ही साल पुरानी तो 2-1 हो जाएगा, तेरा अच्छा रहेगा। चल मेरा साइकिल रख ना। अभी कोई न्यू साइकिल नहीं मिलने वाली है। Oh no! अभी अभी मैंने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तुम्हारे लिए लैपटॉप लिया और आयु के लिए कंप्यूटर लिया, 1.5 लाख रुपए इस महीने खर्च हुआ। मामा बस 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 मम्मा प्लीज, आप कैलकुलेटर मत बनो। अब मम्मा आप देखते हो कि मतलब इंसान पड़ा पड़ा बीमार हो जाता है, तो सोचो मेरी साइकिल क्या खेत की मूली है। कभी कभार उसका चेन उतर जाता है या तो मैं खुद ही उतर जाती हूँ। प्लीज मम्मा नया साइकिल लो ना। बस उसमें ऑयलिंग का काम है, मैं करवा दूंगी। जरा अपने आसपास के हालात के बारे में तो सोचो, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया है। इसमें जरा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ गया तो लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ जाती है। तो अभी कोई नई चीज नहीं मिलने वाली है, वही पुरानी साइकिल तुमको अपनी चलानी है। अच्छा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं जा रही हूँ। अच्छा चलिए साइकिलिंग करने। नहीं यार मैं होमवर्क कर रही हूँ। अरे रात को कर लेना। नहीं यार। अरे चल ना। अच्छा ठीक है चल दीजिए। आज ना हम लोग पीछे वाली गली में साइकिलिंग करेंगे। पीछे वाली गली में? हाँ तेरी नई साइकिल है ना, तो अभी पंचर भी नहीं होगी वो। ओह नो, वही तो भाई, तो नई साइकिल नहीं आई, मम्मा पापा ने हाँ नहीं बोला। क्या बात कर रही है, मेरे पापा ने 12 घंटे में साइकिल ला दी और तेरे 24 घंटे गुजर गए फिर भी नहीं आई। हाँ यार नहीं आई, वो बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास की वजह से कंप्यूटर फोन सब इतना महंगा हो गया था, उसके वजह से एक्सपेंसिव हो गया था, तो पैसा कम है। ये मम्मी पापा ना बहुत नखरे करते हैं, ये तो समस्या तो पूरे देश में चल रही है, इसका मतलब ये भी थोड़ी कि यहाँ पे मेहरबानी कर रहे हैं। हाँ यार तू एकदम सही कह रही है, मैंने यहाँ तक बोला था कि मैं खाऊंगी ही नहीं, गुस्से में चल गई थी, लेकिन बाद में भूख लग गई तो खाना पड़ा। भूख लगेगी तो खाना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया फॉर्मूला ट्राई कर। नया फॉर्मूला? अरे तू एक काम कर, अपनी ना साइकिल छुपा दे, मम्मी पापा को बोलो चोरी हो गई है और थोड़े आंसू बहा और तेको नई साइकिल मिल गई। Oh, yeah. झूठ, अगर मम्मी पापा को पता चला तो? अरे कुछ नहीं होगा, अपनी जब वॉचमैन अंकल को साइकिल दे देना और उनको बोलना किसी को बताए नहीं, और किसी को बता भी नहीं चलेगा तेको नई साइकिल भी मिल जाएगी। Wow. पर फिर? अरे कुछ नहीं होगा, डरती क्यों, मैंने 2 फ्रेंड्स को ऐसे ही साइकिल दिलवाई है। सच्ची? हाँ चल चलते हैं। चल ठीक है चल। अंकल आप ये साइकिल रख लो। बेटा ये तो आपकी साइकिल है ना, मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे अंकल आप हमेशा चलकर आते हो ना, तो ये आपके लिए मदद हो गई। लेकिन बेटा आपने मम्मी पापा से पूछा है क्या? हाँ पूछा हमने। मम्मा मम्मा मम्मा। अरे क्या हो गया अनु, किसी से झगड़ा हुआ क्या? अरे झगड़ा हुआ था तो भी बेहतर होता, ये तो मेरी साइकिल चोरी हो गई। क्या क्या? हाँ सच्ची, मैं उधर खेल रही थी तभी मैं वापस आई देखने कि मेरा साइकिल कहाँ है, तो गायब थी। अरे ऐसे कैसे चोरी हो जाएगी, तुमने देखा नहीं होगा अच्छे से। सोसाइटी में गई होगा, हाँ कहाँ जाएगी वो? अरे आप लोग खुद देख लो। अच्छा तुमने ढंग से देखा नहीं होगा, चलो मेरे साथ मैं देख। Yeah.
हर रोज आते हैं ना यहाँ खेलने, तो हमको पता होगा वॉचमैन कहाँ है। वो उस तरफ कहीं होंगे, आओ देखते हैं। मम्मा मम्मा आयु, नहीं मिल रही मेरी साइकिल। मैं अब मेरे दोस्त चलाएंगे साइकिल तो मैं क्या करूँगी, मैं उनका मुंह देखूंगी। रो मत अनु, कभी कभी सफाई करते समय इधर उधर लोग रख देते हैं साइकिल, मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो? मिल जाएगी बेटा। नहीं अगर नहीं मिली तो क्या? तो अगर नहीं मिली तो क्या होगा? आए तो तुम मेरी साइकिल चला लेना ना। मैं तेरा खटारा की चलाऊंगी? तू रो मत, हम लोग पुलिस केस कर देंगे, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी साइकिल। नहीं नहीं पुलिस केस नहीं करेंगे। अरे क्यों, तू नहीं चाहती तुझे अपनी साइकिल मिले? नहीं मैं चाहती हूँ। अब देखो पता है ना लॉकडाउन में कितना बुरा हो गया हालत सबकी, तो जिसने लिया होगा उसको जरूरत होगी ना। ऐसा कर देंगे तो अगर वो पकड़ा जाएगा तो हमें ही पाप लगेगी। देखो कितनी दयालु है हमारी बच्ची, इसकी साइकिल चली गई फिर भी। हाँ मम्मा फिर भी क्या, मेरे लिए मतलब एक साइकिल नया ले लो ना। कहा था ना बेटा अभी पैसे नहीं है, पापा से बात की थी, वो कुछ मैनेज करेंगे। ये तो पता है ना मैं साइकिल के साथ क्या हुआ, मेरा साइकिल तो चोरी हो गई बेटा, हमें पता है ना। हाँ मैं वही बोलने वाली थी, आज पूरा दिन मैं और आयु मिलके खोजे बट कहीं नहीं मिली बेटा। तो मम्मा पापा मुझे एक नया वाला दे दो ना। अरे बेटा कैसे ले लेंगे, आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता। अब लोग हमेशा ऐसा करते हो, मैं जा रही हूं। ओह नो, अरे अनु सुनो रुको। अनु हाय अनु, नई साइकिल की बात हुई? हाँ बात की थी मम्मा पापा से, उनने बोला था कि वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब बोल रहे कि नहीं हो पाएगा मैनेज। वेट कर, आएगी। अच्छा मासी तुम मुझे एक राउंड लगाने देगी तेरी साइकिल में? सॉरी यार मुझे 10-12 राउंड लगाने का मूड है। तो तेरी दूसरी साइकिल दे देना। अरे मेरे मामा का बेटा आया था वही ले गया। oh, no! अरे यार एक ही राउंड की तो बात है, दे देना। नहीं यार देख अनु मेरा सर मत खा, मेरे को राउंड लगाने का मूड है अभी। अरे लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं जा रही हूँ। अरे यार मैंने मांझ की बात क्यों सुनी, वॉचमैन अंकल को मुझे साइकिल देनी ही नहीं थी। अगर जब भी मैं कुछ भी चीज़ मांगती हूँ मम्मा पापा से, वो हर बार तो दे ही देते हैं। इस बार सच्ची में पैसे नहीं रहा तो तब तो मेरी साइकिल आएगी ही नहीं। मानसी क्या हुआ? मानसी मानसी सुनना, देख अगर राउंड मारने की बात मत करना। सुनना अगर मम्मा पापा मेरी साइकिल नहीं लाए तो क्या होगा? अरे आएगी यार तू वेट कर, चिल मार, मैं साइकिल के बिना नहीं रह सकती। एक काम कर, तो अगर आज रात तक मम्मा पापा ने नहीं बताया साइकिल लाने की डेट, तो मैं एक काम करूँगी ना, मैं वॉचमैन अंकल से वापस मेरी साइकिल मार लूंगी और मैं पापा को बोल दूंगी कि साइकिल वापस मिल गई, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ मैं यही करूंगी, मेरे को साइकिल के बिना नहीं रह सकती। चल रहने दे मैं जा रही हूँ। ठीक है। पापा मैं साइकिल के बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे एक साइकिल दो ना। सारी बेटा इस महीने मुश्किल है। लेकिन अभी तो महीने की शुरुआत हुई है। सारी बेटा अभी पैसे नहीं है ना। लगता है मुझे वॉचमैन अंकल से साइकिल वापस लेकर साइकिल मिलने का नाटक ही करना होगा। अरे कहाँ चली गई थी आयु? अरे अम्मा जो मेरी दूसरी साइकिल की फ्रेंड है ना मीरा, हाँ? उसकी जो साइकिल ना किसी ने कहकर वॉचमैन के पास छुपा दिया, आज मिली और पुलिस वाले ने पता है छुपाने वाले बच्चे को गिरफ्तार कर दिया। क्या? हाँ अब तो मैं वॉचमैन से साइकिल भी नहीं ले पाऊंगी, अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वो तो सब बता देगा, मैं साइकिल के बिना कैसे रह पाऊंगी। क्या हुआ बेटा? हेलो अनु बेटा। कुछ नहीं कुछ नहीं बाबा, बाबा मैं अपने साइकिल के बिना नहीं रह सकती, प्लीज कुछ करो ना। सारी बेटा अभी नई साइकिल नहीं ले सकते हैं, पैसा नहीं है ना। हाँ बेटा कैसे नई साइकिल लाएं? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं कर दूंगी, मैं अपना पुराना साइकिल ही चला देती हूँ। कैसे, लेकिन तेरी साइकिल तो चोरी हो गई ना। नहीं हुई थी चोरी, मैंने झूठ बोला। क्या क्या? मम्मा पापा मैंने सब झूठ बोला आपसे, जिससे कि आप मेरे नया साइकिल लेकर आ पाओ, ये सब मैंने नाटक किया था, कोई साइकिल चोरी नहीं हुई थी, वो तो मैंने वॉचमैन अंकल को दे दी थी। अब आप उसे नहीं ला पा रहे तो मुझे पछतावा हो रहा है, जब मैं देखती हूँ बाकी सारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं तो मेरा भी मन करता है साइकिल करने का। कोई बात नहीं, तू मेरी साइकिल चला सकती है। हाँ कैसे? अरे दरअसल बात यह है कि ना जब तू और मानसी वॉचमैन अंकल को साइकिल देख रहे थे तो मैंने देख लिया।
ठीक है बेटा, थैंक यू। मुझे पता था कि जब तू साइकिल दूसरों को चलाते हुए देखेगी तो तुझे बहुत बुरा लगेगा और उस दिन तेरे को असली कीमत पता चलेगी अपनी साइकिल की। थैंक यू आई, तू बहुत ही अच्छी बहन है। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी। जब आप लोग अफोर्ड कर पाओगे तब आप मेरे लिए नया साइकिल ला देना, तब तक के लिए मैं अपना पुराना साइकिल ही काम चला लूंगी। हमेशा अपने पेरेंट्स की मजबूरी समझना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जिद करने के बजाय। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, समीक्षा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।